ऊपर से है शक्ति इसमें अंदर से है नरमी। पत्थर दिल भी पिघले फिर बाद में ऐसी गर्मी। आन बान से जीने वाली दुखियों की है जान। सपने में भी दिख जाए तो ज़ालिम हो परेशान। दाई 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 जीवन की मर्यादा ताई जीवन की शान। ताई जीवन की मर्यादा ताई जीवन की शान। एक लगन बस रहती इसको जागते इंसान। एक लगन बस रहती इसको जागते इंसान। ताई 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 और भाई ठीक है तेरा बापू? बापू हाँ बापू ठीक ही है। ठीक ही है तो? हाँ पहले तो मार लिया, अब नु कैसे दवाइयों का सारे जी रहा। हाँ ये तेरा तो काम होगा ना, बाकी तो रह गए। और मास्टर जी माफ करना, दूध तो खत्म हो गया। क्या बात हुई, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ अब तुम कह रहे हो दूध खत्म हो गया? अब सब कुछ तो आपके सामने है मास्टर जी, देख ही रहे हो। पता नहीं मेरी भैंसों ने अचानक दूध देना कैसे कम कर दिया। अरे लाल सिंह भैया, तुम्हारी भैंसे तो बड़ी दूध दिया करती थी। हाँ भैया दे तो थी, मैं तो इनके खाने पीने का भी इतना ख्याल करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा। अरे लाल सिंह थोड़ा सा दूध दे दो, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। कैसी बात कर रहे हो भैया, अगर दूध होता तो मैं देता ना भला। अब दूध कहाँ से मिलेगा, घर में साग सब्जी भी नहीं है। अरे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये आजकल हो क्या रहा है, लोगों को दूध ही नहीं मिल रहा है? अब तुम ही बताओ दूध के लिए जाए कहाँ। मास्टर जी अब तो ये रोज की समस्या हो गई है। और क्या, मुझे तो लगता है भैया मेरी भैंसों पे किसी ने जादू टोना कर दिया है। तो भैया उसका इलाज क्यों नहीं कराते? हाँ भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा, आज ही इसका कोई ना कोई इलाज करता हूँ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है लाल सिंह? सरपंच बाबू ये डायन है, डायन। सरपंच जी ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल निर्दोष है, मेरे बच्चे की कसम सरपंच कुछ नहीं किया। झूठ बोलती है सरपंच बाबू, ये झूठ बोलती है। कहाँ जानता है ये डायन है? अरे इसी ने मेरी भैंसों को टोना किया है, तभी से उन्होंने दूध देना कम कर दिया। ए, क्या ये सच है? नहीं सरपंच जी, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। देख सब ठीक ठीक बता दे, वरना इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे कि सब उगल देगी। तो किसकी मजाल जो इसके जूते मारे, अरे मारना है अपने मारो, क्या नहीं हजार। या ताई पना मत झाड़ तू अपना। चुप रहो, तू हाथ छोड़ इसका, हाथ छोड़ इसका। अरे ताई डायन है, डायन डायन होगा तू जो इतनी बेअकली की बातें कर रहा है। एक ताई मेरी भैंसों ने दूध देना कम किया है, तेरी ने नहीं। क्या सबूत है तेरे पास कि इसी की वजह से तेरी भैंसों ने दूध कम देना शुरू किया? कोई है सबूत? है ना सबूत, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे भैंसों को रोटी खिलाते हुए, तभी से मेरी भैंसों ने दूध देना कम कर दिया। मैंने भैंस को रोटी नहीं खिलाई थी, मैंने कुछ नहीं किया था। तू चुप कर रामकुमारी, इन मक्कारों के मुंह मत लग, ये चाहे तो हर औरत को डायन बना दे। अरे भैंस ने दूध कम देना शुरू किया तो डायन, बच्चा रोए तो डायन, ऊपर से छिपकली करे तो डायन।
ताई तुम समझ नहीं रही हो। मैं समझ रही हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। एक बेसहारा औरत पे अपनी मर्दानगी दिखाते तुम्हें शर्म नहीं आती? रामकुमारी तू जा, मैं हूं ना यहाँ। तू डर मत बेटे, तू जा। ताई ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा किया है या बुरा किया है इसका फैसला बाद में होगा। पहले तू भी कान खोल कर सुन ले। अगर रामकुमारी को कुछ हुआ या तुम लोगों ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की तो अच्छा नहीं होगा। और मेरी ये बातें यूं ही हवा में मत उड़ा देना, समझा? गांव का सरपंच मैं हूँ, तुम नहीं हो। बताने क्या समझती अपने आप को, हर काम में टांग लाती रहती है। जाओ लाल सिंह, तुम अपने घर जाओ, मैं देखता हूँ अब उसे कौन बचाता। देखना ठीक बनाया। ये क्या हो गया? अरे ये क्या कर दिया इसमें, इसे तो ठीक कर दे रहा। ऐसे अब ठीक, बड़ी ईद ना चल। अच्छा कैसे बनाएंगे? ऐसे ऐसे ये लो भाई अपनी किताबें। ए शमीमा गुड़िया अपनी अपनी किताबें ले लो। आ जा, ये तुम्हारी किताब और ये तुम्हारी किताब। आसान है ना मास्टर जी? हाँ पढ़कर तो देख, अच्छा लगेगा। चलो यहाँ पर अब तुम दस्तखत कर दो। लो शमी अब तुम दस्तखत कर लो। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। अच्छा बेटा। मास्टर जी, मास्टर जी, राम राम। आदम मैं पूछती हूँ, ये लोगों ने समझ क्या रखा है? आखिर इतना अंधेरा आया हुआ है, जिसको चाहो पकड़ लो और मारपीट कर दो। अरे कोई कायदा कानून है कि नहीं? अरे आखिर हुआ क्या? अच्छा तू बता, राम कुमारी का क्या कसूर है? अरे उसके माथे पे लिखा है वो डायन है, या लोगों को आसमान से खबर मिल गई कि वो डायन है? ओहो ये डायन वायन कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की नासमझी की बातें हैं। हाँ अब लाल सिंह की भैंसे दूध कम दे रही है तो इसमें उस बिचारी का क्या कसूर? ये लोगों को कुछ कहने का बहाना भी तो चाहिए, दूध कम होने की कोई दूसरी वजह भी तो हो सकती है। हाँ यही तो मैं कहती हूँ। देखो ताई अगर राम कुमारी डायन होगी तो उसने और भैंसों पर भी तो टोटका किया होगा, क्या मोहल्ले की सारी भैंसों ने दूध देना कम कर दिया है? अरे मैंने पता लगाया है, 3-4 लोग हैं जिनकी भैंसों का दूध कम हुआ है, वो भी पिछले 3-4 महीनों से। क्या सिर्फ इन्हीं 3-4 महीनों से? हाँ। ऐसा क्यों? क्या उसने इन्हीं 3-4 महीनों में टोटका किया? मैं भी तो यही कहती हूँ कि पिछले सिर्फ 3-4 महीने से क्यों? कुछ तो बात है इसके पीछे ताई। मैं पता लगाऊंगी मास्टर, जरूर पता लगाऊंगी। सलमा तूने डायन डायन की क्या रट लगा रखी? अरे राजू तू इसको समझाता क्यों नहीं? मास्टर जी इस कतई घमंड को क्या समझाऊं मैं? सलमा जी ये डायन फैन कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की बदमाशी है। वो सब तो ठीक है राजू, लेकिन इतना कह देने भर से बात तो नहीं बन जाएगी ना।
अरे हमें इस मामले की तह तक पहुंचना होगा। हाँ लेकिन मास्टर जी, उस राम कुमारी को ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं डायन हूँ, मैं डायन हूँ। अब मास्टर जी वो अपने आप को खुद कहेगी कि मैं डायन हूँ तो लोग नहीं कहेंगे क्या? क्यों? अरे कोई भी डायन अपने को डायन नहीं कहती, तो उसकी झिझलाहट है जो ऐसा कह रही है। अरे ताई कहाँ रह गई, अभी तक दिखाई ही नहीं दी। लो ताई आ गई। ताई, और कैसी है तुम? लो तुम क्या आई, साथ में बिजली भी लेती आई। ऐसी है ताई हमारी। कहाँ रही थी देर? मुझे तो तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक राम कुमारी का मामला हल नहीं हो जाता। अरे मैंने गांव में सब भैंसों का पता किया, पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी मोहल्लों में तो ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ तो सारी भैंसें ठीक दूध दे रही हैं, और फिर मेरी अपनी भैंस भी ठीक दूध दे रही है। राम कुमारी तो मेरे घर में से रोज आती जाती है। तुम्हारी भैंस को उसने टोट कर ही क्या होगा ताई? ताई तुम उसे दूध जो देती हो? तुम दोनों गांव जाकर पता करके आओ कि इधर 3-4 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि जो भैंस इतनी कम दूध देने लगी। जी ताई। सब फिटफाट करके आऊंगा मैं ताई। मैं भी पता लगाता हूँ आखिर इसके पीछे क्या बात है। मुझे भी तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं दूध का दूध और पानी का पानी ना कर दूं। देख सलमा एक बात बता दूं, तेरे अब्बू कुछ भी कहते रहे तो पढ़ाई मत छोड़ियो बिल्कुल। हाँ। हाँ। आराम से। ये देख तलाक का क्या हाल हो गया है, अब तो यहाँ भैंसे आना भी पसंद नहीं करती, मैं एक दो ही है जो ना आ रही है। कुछ तो तू ऐसे हो रहा है जैसे तू ही ना आ रहा है। याद है तुझे बचपन में हम इस तालाब के अंदर कैसे नहाया करते थे? नहीं तू मुझ पे पानी फेंका करती थी, मैं तुझ पे पानी फेंका करता था। हाँ और तुम झट से रोने लग जाते थे, और एक बार तो तुम डूबते डूबते बचे थे और मनोहर चाचा ने तुम्हें बचाया था। बाप रे अगर उस दिन मनोहर चाचा नहीं होते मैं तो। लेकिन अब तो लगता है कि सारे गांव की नालियां इसी तालाब में आके मिलती हैं। हाँ अब तो यहाँ पहले जैसी मछलियाँ भी नहीं रही। याद है यहाँ पहले कितनी मछलियाँ हुआ करती थी, बड़ी बड़ी मछलियों का ढेर लग जाता था। अभी तो मछलियाँ पलेंगी, इसमें तो मगरमच्छ भी नहीं रह सकते। तो फिर यहाँ ये भैंसें कैसे नहाती रहती हैं? तुमने कहावत नहीं सुनी कि भैंस की अकल उसकी चमड़ी के अंदर, अब पानी साफ हो या गंदा उन्हें क्या फर्क पड़ता है, बस उन्हें तो पानी मिलना चाहिए और वो चुपक चुपक के नहाना शुरू। अच्छा हाँ अब यहाँ पर नहाती हुई भैंसों को देखता रहेगा, या ताई ने जो जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था वो भी करेगा? वो तो मैं भूल गया था, चल तू भी मेरे साथ चल, ठीक है? राम राम सरपंच बाबू। राम राम लाल सिंह, राम आओ भाई, आजकल तो खूब पैसे कमा रहे हो तुम। अरे कहां सरपंच बाबू, 2 पैसे की खिलौने की फैक्ट्री, उस पर खर्चा 10 पैसे का। अब भैंसे थी तो सहूलत थी, किसी तरह दूध बेचकर गुजारा हो ही जाता था, लेकिन उस डायन की वजह से अब तो घर का खर्च भी नहीं चल पाता। धीरज रख लाल सिंह, धीरज रख, उस डायन का भी इलाज कुछ सोचते हैं। सरपंच बाबू कुछ हर्जाना वर्जाना दिलवा देते तो। उस बेचारी बेवा के पास है ही क्या जो तुम्हें मुआवजा मिल जाएगा। अब वो उसके पास 2 टुकड़े खेत के हैं, बस मुझे तो वही दिलवा दीजिए, मैं तो उसी में सब्र कर लूंगा। मास्टर और ताई अपने आप को समझते क्या है, पता नहीं क्या करने पर तुले हैं दोनों। अब आप एक डायन को डायन नहीं कह सकते, ये अंधेर नहीं तो और क्या है? तू घबरा मत लाल सिंह, देखते हैं वो उसका बचाव कब तक करते हैं। तू बाजार जा और सुन, हो सका तो तेरे मुआवजे का फैसला भी जल्दी करवा देंगे। जी बहुत अच्छा, भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा सरपंच जी, राम राम। राम राम।
गंदगी तो बहुत फैल रही है। उस तालाब के पानी में से तो बहुत ही बदबू आती है, अरे उधर से तो गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ तुम ठीक कहती हो ताई, तालाब का पानी वाकई बहुत गंदा हो गया है, गाँव का सारा कूड़ा करकट उसी में तो जाता है। सजी तालाब के पानी का रंग तो देखिए कितना खराब हो गया है। हाँ बिल्कुल ही बदल गया है। हाँ तालाब की हालत मैंने देखी है, जाने कहाँ से क्या क्या आकर उसमें बहता है। मुझे तो लगता है कहीं से रंग रोगन आकर उसमें गिरता है। लगता है ये पानी कतई पीने लायक नहीं रहा, बिल्कुल खराब हो चुका है। अरे तो हम बैठे बैठे यहाँ अटकलें बाजी ही करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी, और कुछ नतीजा नहीं निकला तो पता नहीं क्या होगा। भाई मुझे तो रामकुमारी की फिक्र लगी हुई है। तो घबरा मत ताई, हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। राजू बेटा एक काम तो कर। जी मास्टर जी। बेटा एक साफ बोतल में तालाब का पानी भरना। ठीक है मास्टर जी। उससे क्या होगा? अरे ताई मुझे कुछ काम तो कर लेने दो, जा बेटा जा जल्दी जा, हैं? इतने में मैं भी तैयार हो जाता हूँ। मास्टर जी यूं गया यूं आया सब कुछ फिटफाट करके। आ शर्मा बेटी हम भी कुछ उपाय करते हैं। हा? गांव छोड़कर बोल कहां रखी है तेरे लिए धन दौलत? कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन यहां नहीं रहूंगी। वो बर्दाश्त नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता। चुप कर, तू अब कहीं नहीं जाएगी। तू क्या समझती है तेरी इन बातों से मामला सुलझ जाएगा? एक बार बता तेरे जाने से क्या समस्या सुलझ जाएगी? अरे लोग तो और बातें बनाएंगे, तुझे डायन साबित करके छोड़ेंगे। फिकर ना कर। सलमा बेटी जा, इसे घर छोड़ा। अरे इस तरह अपना गांव घर छोड़कर कोई जाता है भला? जा सलमा बेटी जा। रो मत बेटी, ताई है ना तेरे साथ, तो किसी भी तरह की चिंता ना कर। जा शाबाश। हे भगवान, क्या इस औरत के नसीब में चैन से जीना है? हे राम। आई आई आ गए तुम लोग? चुपचाप क्यों बैठे? सलमा कहाँ गई? सलमा भी रामकुमारी को छोड़ने गई है। रामकुमारी आई थी। रामकुमारी किस लिए? वो गांव छोड़कर जा रही थी। अब उसे गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, हमने सब पता लगा लिया है। सच मास्टर? हाँ बेटा जरा रिपोर्ट तो दिखा। देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि तालाब का पानी गंदा और खराब हो चुका है, जो पीने लायक नहीं रहा। ये जानवरों के लिए भी नुकसानदायक है। इसमें यह भी लिखा है कि इसमें केमिकल पदार्थ मिले हैं और ये पानी बिल्कुल जहरीला हो चुका है। डॉक्टरों का ये कहना है कि इस तालाब के अंदर किसी फैक्ट्री से निकले हुए केमिकल मिले हैं। लेकिन हमारे गांव में तो कोई फैक्ट्री है ही नहीं। अरे फैक्ट्री नहीं है तो केमिकल आए कहां से? आसमान से टपक पड़ी क्या? अच्छा तो अब ये पता लगाना है कि तालाब में केमिकल कौन बहाता है। हाँ बगैर इसके बात भी नहीं बनेगी। चलो चलकर पता कर दे। आ जाता है। ताई? हाँ बोल रही थी। ताई वो कल रात रामकुमारी कह रही थी कि। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि एक दिन लाल सिंह उसके पास आया, उसने कहा कि अगर तुम मुझे अपने 2 कट्ठे खेत दे दोगी तो मैं डायन का इल्जाम वापस ले लूंगा। अच्छा तो वो कमबख्त उसकी जमीन हथियाना चाहता था। वाह उसने तो बहुत अच्छा बहाना ढूंढा। ये हरकत उसे महंगी पड़ेगी मास्टर। अरे ओ लाल सिंह।
कहां दुपक्के जा रहा है नजरें चुराए। उस बेवा औरत को तो डायन बना सकता है लेकिन मुझसे आंखें मिलाने में भी शर्मा रहा है। मैं क्यों नजरें चुराऊंगा? मैंने क्या चोरी की है? चोरी तो नहीं की, जमीन तो हथियाना चाहता था, इसीलिए उस बेवा औरत को डायन बना दिया। क्यों? मैं क्यों जमीन हथियाऊंगा? मैं तो खुद मेहनत करके अपनी फैक्ट्री में ये खिलौने बनाता हूँ। क्या? फैक्ट्री में? हाँ, खिलौने की एक फैक्ट्री डाली है मैंने। काई, यही फैक्ट्री तो सारे फसाद की जड़ है। लालसिंह, तो सच बता, तेरी फैक्ट्री कहाँ है? अपने घर में, और कहाँ, वहीं करता हूँ अपना काम। उसके रंग रोगन का गंदा पानी कहाँ जाता है? नाली में। और नाली कहाँ जाती है? मुझे मालूम है। कहाँ? तालाब में। हाँ हाँ, तालाब में। तो ये अब हुआ दूध का दूध और पानी का पानी। लाल सिंह के बच्चे इतने जूते पड़ेंगे कि गिनती भूल जाएगा। तूने मुझे समझ क्या रखा है? अब मैंने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं है सरपंच बाबू। कुछ किया नहीं? अरे क्या कुछ नहीं किया तूने? तूने रामकुमारी पर झूठा इल्जाम लगाया, तूने उसको बेवजह परेशान किया है, तूने उसको बदनाम किया। कहता कुछ नहीं किया, उसकी जमीन तक हड़पने की कोशिश की तूने तो। कुछ नहीं किया? अरे तूने यहां से अपनी फैक्ट्री नहीं हटाई और ये सारा तमाशा बंद नहीं किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चल भाग यहां से। अरे कहां भागा जा रहा है पाखंडी? सिर्फ डांट फटकार से काम नहीं चलेगा, इसको रामकुमारी से माफी भी मांगनी पड़ेगी। माफी मांग मुझसे, माफी मांग। इसी में हलाल सिंह कि माफी मांग ले, वरना जो हर्जाना तू इससे लेना चाह रहा था कहीं वो तुझे ही ना देना पड़े, फिर तू कहीं का नहीं रहेगा, एक के चक्कर में 10 गंवाने पड़ेंगे। मुझे माफ कर दो रामकुमारी बहन। माफ कर दे बेटी, इसके लिए यही सजा बहुत है। जा, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन जो तकलीफ तूने मुझे दी है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। Could be me.